जब T20 कैप्टेंसी को छोड़ने की मैंने पहले बीसीसीआई से कम्युनिकेट किया, सबसे पहले मैंने बीसीसीआई को अप्रोच किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी, उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टेंसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और सही डायरेक्शन में है। तो उस टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था कि जी हाँ, मैं ODI और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा, अनलेस कि ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगे कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए। और ये भी मैंने कॉल पे क्लैरिफाई किया था उस टाइम पे। तो मेरा कम्युनिकेशन बीसीसीआई को क्लियर था उस टाइम से कि मैं क्या करना चाहता था। और मैंने ये जैसे बोला कि मैंने ये ऑप्शन भी दिया था कि अगर ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो डिसीजन उनके हाथ में है। बट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्वियसली टू टू पुश द टीम इन द राइट डायरेक्शन, समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज लुक टू डू इवन बिफोर आई बिकेम कैप्टन। सो दैट माइंडसेट हैज नेवर चेंज्ड एंड इट विल नेवर चेंज। रोहित इज अ वेरी एबल कैप्टन एंड वेरी वेरी टैक्टिकली साउंड। वी हैव सीन दैट इन द गेम्स दैट इज कैप्टन फॉर इंडिया एंड इन द आईपीएल एज वेल। सो एंड अलॉन्ग विद राहुल भाई, हु इज अ वेरी वेरी बैलेंस्ड कोच, ग्रेट मैन मैनेजर, बोथ ऑफ देम विल हैव माई एब्सोल्यूट सपोर्ट एंड माई कॉन्ट्रीब्यूशन इन वट एवर विजन दे सेट फॉर द टीम, एंड आई विल बी देयर टू सपोर्ट दैट 100% एंड कंटिन्यू टू बी अ गाय हू कैन पुश द टीम इन द राइट डायरेक्शन गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर इन ओडियाज एंड T20s। देखिए, मैं रीजंस ऑब्वियसली हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते हैं, रीजंस मैं समझ सकता हूँ। मुझे डिसीजन सही है नहीं उस पर कोई डिबेट ही नहीं थी, मतलब डिसीजन जो बीसीसीआई ने लिया वो एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से लिया, जो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, मैं समझ सकता हूँ। बाकी जो इन इवेंट्स हुए, जिस तरीके से कम्युनिकेट किया गया, वो मैंने आपको बता ही दिया था। और दूसरी चीज ये कि देखिए, मेरे और रोहित के बीच में मैंने पहले भी ये कितनी बार एड्रेस किया आके कि हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ऑनेस्टली मैं पिछले 2 या 2.5 साल से मैं इसको क्लैरिफाई करे जा रहा हूँ रेगुलरली, और मैं थक चुका हूँ इस चीज को क्लैरिफाई कर करके, क्योंकि ये बार बार सवाल मुझसे पूछा जाता है। और मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरा कोई भी एक्शन या मेरा कोई भी कम्युनिकेशन कभी भी टीम को नीचे लगाने के लिए नहीं होगा जब तक मैं क्रिकेट खेलूंगा। और ये हमेशा से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए, और ये मेरी कमिटमेंट इंडियन क्रिकेट की तरफ है हमेशा।